वे के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान जब भी लोडिंग में जाते हो, जो पढ़ा लिखा है, जो कई सालों से लोडिंग पॉइंट की ड्यूटी करते आया है, उस व्यक्ति को कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो अनजान है, जो कभी कभी जाते हैं और कभी कभी लोडिंग करवाते हैं, वो व्यक्ति के लिए एक पेपर में एक से लेके 100 या 150 या 200 तक लिख लिया करो। और जब भी लोडिंग में जाते हो तो अनलोड हो या लोड हो तो आप टिप मारते जाओ, आपका काउंटिंग, आपकी एक गिनती, आपका अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। अगर मन में गिनती करते हो तो भूल भुलैया भी हो सकता है, लोचा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, एक टाका, एक बंडल, एक कार्टून, एक बॉक्स एक्स्ट्रा जा सकता है, हजारों का भी नुकसान हो सकता है, लाखों का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी लापरवाही ना करें। आप अपने एक पेपर में लिख कर जाओ, आपका काउंटिंग परफेक्ट गिरेगा। आपको 10 मिनट 5 मिनट समय ज़्यादा लगता है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं। लोडिंग पॉइंट पे खास विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बातें, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बातें, लोडिंग पॉइंट पे आपको ये काम नहीं करना है, लोडिंग पॉइंट छोड़कर नहीं जाना है, नंबर एक। दूसरी बात, लोडिंग पॉइंट के ऊपर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर तीसरी बात, लोडिंग पॉइंट पे किसी से हंसी मजाक या बातचीत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर बात करोगे तो साहब क्या होगा, बोलो साहब? भूल जाएगा। वेरी गुड। अगर आप किसी से बात करोगे तो लोडिंग का आप काउंटिंग भूल जाओगे, नहीं बात करना। लोडिंग पॉइंट छोड़कर आप एक सेकंड के लिए भी गए तो जो लेवर होता है ना, वो एक्स्ट्रा डाल देगा, है ना? तो उनका सेटिंग होता है ड्राइवर से, कॉन्ट्रैक्टर से, इसलिए वो बातों में लगाते हैं गार्डों को कि भाई बात करते करते मैं 2-3 एक्स्ट्रा कार्टून या ढाका टाका भैया बंडल डाल दूंगा या बॉक्स डाल दूंगा। ड्राइवर के साथ उनका पार्टी के साथ सेटिंग रहता है। इसीलिए आप लोडिंग पॉइंट विशेष तौर पर, ख़ास तौर पर लोडिंग पॉइंट वाला बिल्कुल सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, चारों तरफ ध्यान देते हुए अपने लोडिंग को बिल्कुल परफेक्ट गिनती और परफेक्ट अकाउंट और काउंटिंग होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही, बेईमानी, निग्लिजेंसी ना करें। अपनी ड्यूटी ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, अपने कर्तव्य का पालन आपको हर समय आपको निभाना है। एक मनुष्य का कर्तव्य है ईमानदारी, वफादारी और जवाबदारी। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि हमारा जो कार्य है, हमारी जो ड्यूटी है, वो हम पुलिस की तरह ड्यूटी करते हैं। हम 12 घंटे करोड़ों की, अरबों खरबों और करोड़ों की संपत्ति और जान माल की हम रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। प्लांट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के आदमी, लेबर या एम्प्लॉय या स्टाफ या अधिकारी है, उनकी भी हम सुरक्षा करते हैं, उनकी भी जान माल की सुरक्षा करते हैं कि बाहर का कोई भी आदमी आके उनको मारपीट ना करे या उनसे बदतमी से पेश ना आए, उनकी भी सुरक्षा करते हैं हम। और करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के हम सुरक्षा करते हैं। हम अरबों खरबों के, करोड़ों की संपत्ति के 12 घंटे के हम मालिक हैं। ये सोच के चलो आप। आपके बिना पूछे परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रहना है कि आप पुलिस की ड्यूटी करते हो और वफादारी से अपने कर्तव्य का पालन आप करते हो। इसीलिए आप हमेशा अनुशासन और डिसिप्लिन में आपको हमेशा रहना है।